और ऑयली स्किन वालों को तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जॉब में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आप सुबह करके ये लगा लीजिए। और जो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या कर रहे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत मस्ती कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। और यार गर्मी आ गई है, क्या करें यार, बहुत गर्मी हो गई है और कहीं बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि यार मतलब गर्मी, ऑयल और पोल्यूशन, डस्ट, वो सब यार फेस पे चिपक रहा है, स्किन खराब हो रही है और घमौरियां गर्मी से। और स्किन की केयर करें या घर से बाहर निकले या नहीं निकले, तो गाइज ज्यादा चिंता मत कीजिए। बहुत पुराना बचपन का एक फॉर्मूला है जो मम्मी हम पे अप्लाई करती थी, तो अभी ज्यादा समझ में आने लगा है कि यार उसके बेनिफिट्स के बारे में जब एक्चुअली हम अप्लाई करने लगते हैं और खुद से वो चीजें करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा समझ में आती है कि नहीं यार वो एक्चुअली इफेक्टिव था, जो कि हम नहीं करते हैं। तो क्या है वो फॉर्मूला, ये मैं बताती हूँ। वो फॉर्मूला है एक फेस मास्क, जो कि सभी ने सुना होगा, इंडिया में तो बहुत कॉमन है, मुल्तानी मिट्टी। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क, आई नो सबने सुना होगा, तो आज वही अप्लाई करने वाले हैं। तो मुल्तानी मिट्टी का पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है दोस्तों, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बिना सोचे समझे मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क लगाइए, ऑयली स्किन वाले, तो मतलब पूरे समर आप इसको यूज करो, आपको सच में बहुत इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा ही ऑयली स्किन है तो 2 times लगा लो दिन में, एक बार दिन में लगा लो, एक बार रात में लगा लो, तो बहुत ही कमाल वर्क करेगी। तो चलो थोड़े से और बेनिफिट्स बताते हैं। एक्ने के लिए बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए मैंने बता ही दिया है। और एक आपकी फेस को नेचुरली हील करता है ये, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और एंटी एजिंग है, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो चलिए ज्यादा बक 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 ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि फेस मास्क कैसे बनाना है। बहुत ईजी है दोस्तों, टटना है दोस्तों, हमारा फेस मास्क जो है मुल्तानी मिट्टी का वो तैयार हो गया है। तो अप्लाई करने के लिए आप हाथों से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप लगा सकते हैं। और ऑयली स्किन वाले लोगों को आप इसकी थिक लेयर लगाइए और पूरा सूख जाने तक आप इसे लगा के रखिए। आप अपने सूखे हुए मास्क पर देखेंगे कि ऑयल एक्चुअली ये एब्जॉर्ब करके इस पे आपको डॉट्स दिखेंगे। ऐसा करना और देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा हुआ कि नहीं। तो चलिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मैं बहुत थिक लेयर नहीं लगाऊंगी, मैंने बहुत थिन लेयर लगाई है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसे नहीं रखूंगी। जैसे ऑयली स्किन वालों को बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक उसे रखना है, जब तक वो पूरा पैक सूख ना जाए। और बस हाँ, जब तक जब वो सूखने लगे तो आप प्लीज़ बोले ना, क्योंकि आपको क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे और वो बहुत खींचेगा। तो चलिए सूखने के बाद मिलते हैं। थोड़ा सूखने लगा है और इसे ड्राई स्किन वाले अभी धो लीजिए, इतना सूखने पर भी, क्योंकि आपको एक खिंचाव फील होने लग जाएगा इसी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी स्किन। और ऑयली स्किन वाले थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आपने मोटी लेयर लगाई है। तो देख रहे हैं आप, जैसा कि फेस मैंने साफ कर लिया है, तो साफ करते वक्त जब मैं मुल्तानी मिट्टी ऐसा उतार रही थी थोड़ा थोड़ा, तो यार बड़ा ना ऐसा स्मूथ सा फील आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था काफी चिकना इन द सेंस कि ऑयल वाला चिकना नहीं, कुछ एकदम सिल्की टाइप का सा फील हो रहा था। तो मैंने धो लिया पूरा और अभी देखिए कि फेस कैसा लग रहा है। और मैंने थोड़ा सा, जो ड्राई स्किन वाले हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अगर ड्राई लग रहा है, बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं लिटिल बिट मॉइस्चराइज कर रही हूँ। और ऐसा डैप डैप थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद आपको स्किन में थोड़ा सा चेंज लगेगा, आपको ये थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, एटलीस्ट समर में तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि फेस को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। और ऑयली स्किन वालों को तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, करना है, फेस का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो आप जब आपको निकलना है, मान लीजिए आप जॉब में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आप सुबह को उठ करके ये लगा लीजिए और जो भी अपना दूसरे काम होते हैं वो कर लीजिए तब तक। और जब तक नहाने का टाइम होगा तब तक आपका मास्क सूख जाएगा और आपको एक, मतलब आप एक डेली बेसिस पे
से एक इसे हैबिट बना सकते हैं एटलीस्ट समर के लिए, ताकि आपका फेस अच्छा रहे और आप अपने अच्छे फेस को देख के बहुत खुश रहें और हैप्पी रहें। और ये सच में आपके अंदर एक ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो लाएगा, क्योंकि आपको हर वक्त दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि आपका मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो जब आपका फेस अच्छा लगेगा तो आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल रहेगी, स्माइल रहेगी तो आपका मन खुश रहेगा, और मन खुश रहेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो यार दोस्तों, इस समर के लिए देखती हूँ कुछ ऐसे ही मास्क बनाना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ कुछ वीडियोस मास्क पे, फेस मास्क पे बनाऊंगी। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो में नए फेस मास्क के साथ में। तब तक के लिए बाय, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा।